सबसे पहले तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी अब्दुल्ला शफीक ने कहा है कि मैं ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान रिकी पोंटिंग से बहुत मुतासर हूं और उनकी तरह खेलने की कोशिश करता हूं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आप भाई इतना जरूर बता दें कि जिम्बाब्वे के खिलाफ अगर अब्दुल्ला शफीक को मौका मिला तो वो किस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। इस हवाले से कमेंट सेक्शन आपके कमेंट्स का मुंतजर रहेगा। अब्दुल्ला शफीक ने ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि रिकी पोंटिंग की वीडियो देखता हूं और रिकी पोंटिंग की तरह खेलने की कोशिश करता हूं, जबकि अपनी टीम में बाबर आजम मेरी इंस्पायरेशन है। नेशनल टी20 का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था जिसमें नौजवान क्रिकेटर को बहुत मौका मिला। बायोसिक्योर बिबल में अब तक बहुत अच्छा जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि नेशनल टी20 कप का मैार अच्छा रहा और अपने डीबीओ मैच में सेंचुरी बनाना अच्छा लगा और अब जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज खेलने के लिए पुरजोश हूँ। 100% कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करूंगा। कोई टीम के लिए टॉप ऑर्डर में बहुत खिलाड़ी है लेकिन मुझे जब भी मौका मिला भरपूर फायदा उठाऊंगा। अब्दुल्ला शफीक का कहना था कि मैंने तसलसल के साथ परफॉर्म किया और मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। टीम में तजुर्बाकार खिलाड़ी थे जिनसे भी बहुत कुछ सीखा और कोशिश थी कि अच्छा खेलूं, लेकिन यकीन नहीं था कि इतनी जल्द कौमी टीम में नाम आ जाएगा। मेरा भी एक ख्वाब था और एक गोल था कि मैं पाकिस्तानी टीम में जगह बना पाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पाकिस्तानी स्क्वाड में मौका मिला, मगर जब भी मुझे जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तानी स्क्वाड में मौका मिलेगा तो यकीनन मैं उमदा कारकर्दगी दिखाते हुए पाकिस्तान की जीत में कलीदी किरदार अदा करूंगा।